दोस्तों, पेरिस के गांव में घर कैसे होते हैं उसके बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं पेरिस में दो गांव को कवर करने वाला हूँ जहाँ पे मैं रात रुकने वाला हूँ। तो ये घर में एंटर होते ही यहाँ पे किचन है, यहाँ पे सब मकान ऐसे स्लोप वाले रहते हैं, जैसे मैं आपको बाहर से भी दिखाऊँगा वीडियो। यहाँ पे वॉशरूम एरिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो बेड लगा हुआ है। ये मंदिर है दुर्गा माता का, अम्बे माता का। ये एक इंडियन का मकान है, तो यहाँ पे अपने इंडियंस की चैनल ही चलती है। ये इनका बच्चा है, उनका एक और बेडरूम है। ये भाविन भाई है, अपने गुजराती है, तो इनको अभी जॉब पे जाना है, तो ये अपने हिसाब से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। हम भी उनके साथ में नहीं जाएंगे, हम थोड़ी देर बाद जाएंगे। ये यहाँ का बाहर का नज़ारा है। यहाँ पे हर एक मकान के ऊपर ऐसे छत और सीलिंग स्लेब नहीं होता है, यहाँ पे ये नलिए टाइप स्लोप रहता है, क्योंकि यहाँ पे बर्फबारी होती है, तो इसकी वजह से सब जैसे बर्फ गिरती है तो टेरेस रहता है, तो टेरेस में जम जाती है। इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर ये लोग जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंस्ट्रक्शन है वो ऐसे ही स्लोप वाला रहता है, जैसे हमारे यहाँ पे गांव में झोपड़े टाइप पत्थर जो रहता है शेड लगाया हुआ वैसे ही रहते हैं। तो मैं आपको नीचे की ओर भी ले चलूँगा और गांव भी दिखाऊंगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अभी जो दोस्तों हमने अंदर से मकान जो घर देखा था उसका ये बाहर का एंट्रेंस है, जैसे आप देख रहे हो। ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हो ये एक लाइब्रेरी है यहाँ पे, और आप देख सकते हो सुबह की खूबसूरती कितनी अच्छी है। और ये जो ऊपर वाली बिल्डिंग है, ये वाली, ये एक पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज है यहाँ पे। और ये जो मकान है एग्जैक्ट उसी कॉलेज के पीछे मकान है। इसका आगे का जो हिस्सा है बाहर रोड से जो आने का रास्ता है वो यहाँ से तकरीबन थोड़ी ही दूरी पे, मैं बताऊँगा अभी आपको। अभी हम लोग अंदर गांव के अंदर जाएंगे। जो भाविन भाई अभी जा रहे हैं उनकी जॉब पे, तो वहाँ पे हम उनको छोड़ने तक रेलवे स्टेशन तक जाएंगे। तो देख सकते हो दोस्तों, आज सुबह ही, कल रात को 1 बजे तकरीबन बारिश हुई थी, जो सुबह तक झिम झिम चालू ही रही थी। यहाँ का मौसम इतना बढ़िया है, यहाँ से कहीं जाने का मन ही नहीं करता है। ठंडा वेदर, गुलाबी ठंडी, देख सकते हो दोस्तों। अभी दोस्तों हम हैं पेरिस के गांव में, जो मैंने आपको बताया अभी जो घर दिखाया उसी के आसपास में, बाहर गली में निकला हूँ गांव में। तो थोड़ी देर बाद हम वापस उसी घर में जाएंगे, तो उसका बाहर से जो गली से एंट्रेंस है वो कैसा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आप घर मकान सब देख सकते हो, यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन का थोड़ा काम चल रहा है। अभी यहाँ पे जो है वहाँ पे बाजार हुआ, तो चालू तो देखते हैं पहले। और यहाँ पे पार्किंग का भी है, तो वहाँ पे थोड़ी देर चलते हैं कैसे दिखते हैं। यहाँ पे ये सब शॉप है जो कि तकरीबन 9-10 बजे के बाद ही खुलती है। देख सकते हो दोस्तों, सब गाड़ियाँ ऐसे पार्क करते हैं गांव में, और गांव के मकान भी आप देख सकते हो।
ये एक बैंक और एटीएम है यहाँ पे। ये प्रॉपर्टी डीलर की शॉप है, ऑफिस है जैसे। यहाँ पे आपको मकान रेंट पे लेना है, भी खरीदना है, तो आप ऐसे ऐसी ऑफिस है बनी रहती है, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हो दोस्तों। सॉरी, हेलो दोस्तों, अभी मैं आपको यहाँ जो गांव का मार्केट कैसे भरता है, जैसे हमारे यहाँ सब्जी मंडी और ये सब मार्केट लगता है, वैसे यहाँ पे मार्केट लगता है, वो आपको दिखाने के लिए लेके आया हूँ। तो यहाँ का गांव का मार्केट कैसे होता है वो उसके मेरे हम जानते हैं, तो चलिए दोस्तों देखते हैं मार्केट की। सब चीज़ें हफ्ते में एक बार ही मार्केट लगता है वैसे, शादी में मान लो कि आज सोमवार, आज यहाँ पे संडे है तो संडे के दिन यहाँ पे लगेगा, मंडे को यही मार्केट कहीं और जगह पे लगेगा। जैसे फ्रूट्स हैं, सब्जी है और मटन चिकन की शॉप्स, आइसक्रीम वगैरह की जो शॉप्स रहती है वो भी यहाँ से बहुत दूर पे लगती है, कहीं और जगह पे लगती है, कहीं और बनता है। ये चिकन की शॉप है, यहाँ पर ये लोग चिकन को रोस्ट करके देते हैं पूरा। चिकन देते इसको, चिकन को अपने यहाँ जो चिकन मिलता है और यहाँ पे जो चिकन मिलता है, चिकन के रेट भी आप देख सकते हैं। Hello. Ah, faut payer pour les photos, hein. Yeah. Faut payer pour les photos. No. I'm a tourist here from India. Where are you from? India. India? Yeah. What time is it? Yeah. India. Yeah. Oh, good. Welcome in France. Yo, welcome in France. Yeah, thank you. You're welcome. I have a YouTube channel one. So I explore the market. Okay. Yeah. ये भाई साहब यहाँ पे दुकान है जो ये मुझे बता रहे थे कि हम इंडियन का स्वागत करते हैं और इंडिया के दो लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली रहते हैं और ये इंडियंस को ट्रीट भी ऐसे करते हैं जैसे कि वो भी दोस्त बनके ट्रीट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये ठंड के जो यहाँ पे जो मौसम रहता है उनके हिसाब से स्वेटर्स और ये सब है, देख सकते हो दोस्तों। यहाँ के जो जैकेट्स और ये रहते हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल रहते हैं दोस्तों, और यहाँ के जो जैकेट्स की रेंज है वो काफ़ी महंगी है, लेकिन इनके वेदर के मुताबिक ये बहुत ही चीप है, क्योंकि शोरूम में तो ये बहुत ही महंगा मिलता है। यहाँ पे ये आप देख रहे हो बैंगल्स, जैसे इंडिया में मिलते हैं वैसे ही है। आगे चलते हैं अभी, ये देखिए दोस्तों सब्जी मार्केट, सब्जी की दुकान जो शॉप्स बोलते हैं। यहाँ पे फूड भी मिल जाता है पैकिंग का, और ये देखिए इस जनाब को एकदम वो। अभी दोस्तों ये मार्केट धीरे धीरे ओपन हो रहा है, तकरीबन ये मार्केट 12 बजे तक यहाँ रहता है और यहाँ पे धीरे धीरे करके ओपन रहता है। ये बेड्स, गद्दे, स्कार्फ बेड्स, सुई धागे की दुकान है। okay.
दोस्तों अभी यहाँ से आगे जाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आगे मार्केट है नहीं, यहाँ से ही रिटर्न होते हैं। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है दोस्तों यहाँ पे, और टेम्परेचर काफ़ी हद तक नीचे गिर चुका है। यहाँ पे ठंड की माहौल थोड़ा ज़्यादा बन रहा है, मेरे हाथ भी तकरीबन जमने को आ गए हैं अभी। ठंडी आज का मौसम जो है बारिश वाला है, तो ठंड भी ज़्यादा ही रहने वाली है। ये आप देख सकते हो क्रिसमस के लिए जो गिफ्ट्स और डेकोरेशन का जो सामान है